सो हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड सबका एनडीए एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। जो भी एनडीए एंड सीडीएस के एस्पिरेंट हैं जिन्होंने भी अभी एग्जाम दिया है उन सबको ऑल द बेस्ट फॉर देयर रिजल्ट्स। एंड आपका पेपर मेरे हिसाब से अच्छा ही गया होगा और मेरी ये विश है कि सब लोग आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। सो आज बात करेंगे हम लोग एग्ज़ाम के बारे में, एनडीए का जो एग्ज़ाम हो गया है उसमें कैसा लेवल आया था पेपर का, मैथ्स एंड गैट के बारे में। मैंने एक पोल भी डाला था और जो भी मैंने ग्रुप से इन्फॉर्मेशन ली है रिगार्डिंग द एनडीए एग्ज़ाम कैसा लेवल रहा, क्या क्या इशूज़ आए जो कैंडिडेट्स से जो एग्ज़ाम दे रहे थे उन्हें क्या क्या इशूज़ आए और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई एग्ज़ाम के दोनों स्टेजेस में, मतलब पेपर वन एंड पेपर टू में क्या क्या उन्हें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, क्या लेवल था एग्ज़ाम का और क्या कट ऑफ रह सकती है एग्जामिनेशन की, तो इस चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना एग्ज़ाम दे दिया है। ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ गेटिंग इनटू नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो जो लोग एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उनको मेरी तरफ से फुल सपोर्ट फॉर देयर एसएसबी प्रिपरेशन। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का और जिनको लगता है कि वो रिटर्न क्लियर कर देंगे वो ग्रुप ज्वाइन करें एंड जल्द ही वहाँ पर एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर आपको सेशंस कराए जाएंगे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर सेशंस हों बट मैं जितनी भी हेल्प कर सकूँ उतनी मैं करूँगा, ठीक है। मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगा आपको और जितना भी मेरे पास, जो भी मेरे पास टाइम मिले, मेरे पास बचेगा उसमें मैं आपको अपने एसएसबी की प्रिपरेशन करा दूँगा। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स का पेपर अच्छा गया है रिलेटिवली, मतलब जीएटी का पेपर की बात करें तो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मैथ्स का पेपर थोड़ा हार्ड आ गया बट गैट का पेपर यार थोड़ा सा रिलेटिवली ईजियर आया। अगर हम दूसरे ईयर्स की बात करें प्रीवियस ईयर की तो रिलेटिवली गैट का पेपर ईजी है, कन्फ्यूजिंग नहीं था। इंग्लिश भी काफ़ी डायरेक्ट पूछी गई थी, साइंस भी क्वेश्चन ईजियर साइड पे थे। मैथ्स का थोड़ा टफ आया, चलो ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान भी हैं सेक्शनल कट ऑफ को लेकर कि भैया मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं। जो मेजॉरिटी है वो लेडी कैंडिडेट्स हैं, गर्ल कैंडिडेट्स हैं, वो पूछ रही हैं कि मतलब उनका मैथ्स का प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं हो पाया था, उनको कम दिन मिले थे प्रिपरेशन के, तो क्या उनकी सेक्शनल कट ऑफ डिफरेंट होगी। तो इसके बारे में अगर मैं आइडिया बताऊं तो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कह सकता, इट्स अ यूपीएससी डिसीजन, यूपीएससी उसे लेगी डिसीजन को। अगर यूपीएससी चाहे तो आपकी कट ऑफ अलग भी ला सकते हैं बट आप प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए फॉर अ डिसीजन डैट की आपकी कट ऑफ सेम है एज ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो ऐसा मत सोचना कि आपकी कट ऑफ अलग ही आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कट ऑफ को मर्ज कर दिया जाए, मतलब बॉयज़ के सेम ही रखा जाए और आपकी भी कट ऑफ सेम ही रखी जाए, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आपकी कट ऑफ को अलग रखना चाहिए, थोड़ा आपको रिलेटिवली लेस कट ऑफ होनी चाहिए आपकी, बिकॉज आपको दिन भी कम मिले हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया एंड देन आपको 45 डेज का टाइम मिला, दैट इज़ वेरी लेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द पेपर दे हैव गिवन टू यू। तो आपको कट ऑफ, आपकी जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से वो कम होनी चाहिए बट मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता। तो आपको दोनों डिसीजन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ तो जीएटी का लेवल सही था बिल्कुल और उसमें आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो आप उसमें भी 50-60 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे अगर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। बट काफ़ी, मतलब जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, जो ज़्यादा तैयार नहीं थे, उनको थोड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी मैथ्स के एग्ज़ाम। पेपर की बात करते हैं तो जितना मेरे को अभी इंटेल मिली है, मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं पर मेरे को जितने भी अपने जो भी हमारे एस्पिरेंट्स थे हमारे ग्रुप में और बाहर से मेरे जो दोस्त हैं उनसे जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से जो मैथ्स का पेपर था वो मॉडरेटली हार्ड की तरफ था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था। और जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं, जो लेडी कैंडिडेट्स हैं, उनको खासी दिक्कत फेस करनी पड़ी है बिकॉज उनको जो टाइम था वो लिमिटेड था और जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था एज़ एक्सपेक्टेड। और 2021 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था उससे थोड़ा ज़्यादा टफ पेपर आया था और जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा, जो लेंदी क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं वो आ रखे थे और उनसे क्या होता है, उनसे आपका टाइम वेस्ट होता है और आप डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो यूपीएससी ने इस बार मैथ्स का पेपर थोड़ा हार्ड रखा है एंड अगर गैट की बात करें तो गैट रिलेटिवली ईजियर आई है दूसरे पेपर से। अगर मैं दूसरे पेपर्स की बात करूँ लाइक NDA 1 2021 की बात करूँ तो उससे जो गैट का पेपर है वो काफ़ी ईजी आ रखा है। इंग्लिश का पोर्शन डायरेक्ट आ रखा था, मतलब उसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ा और आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे।
और अगर मैं बात करूं कि जीएटी के पोर्शन में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डीप नहीं ले जा रखा था, ऊपर ऊपर के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आ रखे थे, साइंस भी ईजियर साइड पे थी और करंट अफेयर के 10-12 क्वेश्चन आ रखे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गैट का पेपर सिंप्लीफाइड वर्जन में था। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे, टफ नहीं कह सकते, टफ इन द सेंस कि वो ज़्यादा टाइम ले रहे थे आपका, ठीक है, और उससे आंसर नहीं आ रहा था लास्ट में आपका, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फेस करी है कि वो कर तो ले रहे थे क्वेश्चन बट लास्ट में उनके आंसर नहीं आते, जिससे उनका टाइम वेस्ट हुआ और कॉन्फिडेंस भी डाउन हुआ। सो जो क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने कर रखे हैं क्वेश्चन, उनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने 60-70 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिए थे, तो पेपर में जनरली मार्क्स आ सकते हैं 150 अराउंड कैंडिडेट्स के, और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 70-90 आपकी यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि यार पेपर थोड़ा सा हार्ड आया है, तो 75-90 के बीच में यहाँ पे मैथ्स की कट ऑफ होने वाली है सेक्शनल। और अगर जीएटी की बात करूँ तो जीएटी में आपकी जो पेपर लेवल था वो मतलब रिलेटिवली ईजियर था, ज़्यादा ईजी भी नहीं बोलूँगा बट रिलेटिवली ईजियर पेपर आया था यहाँ पे। सो ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल अगर बात करें तो मैथ्स हार्ड आ गई, गैट ईजी आ गया, तो पेपर का लेवल आपका रिलेटिवली एवरेज ही हो जाता है और उसकी कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही आती है, तो कट ऑफ भी चेंज नहीं होने वाली, कट ऑफ भी आपकी नॉर्मली जो होती है वही रहने वाली है, क्योंकि पेपर को बैलेंस कर दिया गया है मैथ्स थोड़ी हार्ड एंड गैट में थोड़ा ईजियर साइड में, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ 350 के अराउंड ही रहने वाली है, अगर मैं बात करूँ 350-360 इसी के अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला कट ऑफ में। सो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया मेरे को लग रहा है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो अब मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज एक स्टेज थोड़ी होता है एनडीए में, एनडीए में तो दो स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट इज रिटन एग्जामिनेशन देन इज एसएसबी इंटरव्यू, तो मुझे अब करना क्या चाहिए। देखो यार सबसे पहले तो यार 10-15 दिन थोड़ा चिल करो, आपने इतनी मेहनत कर रखी है, आप 1-6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स, तो आपको अभी थोड़ा चिल करना चाहिए, कुछ दिन चिल करो, अपनी जो आंसर्स हैं वो भी मत मिलाना, मैच मत करना, ठीक है, अगर आपको आंसर की मिलती भी है तो मैच मत करना, अभी 10-15 दिन थोड़ा चिल कर लो, अगर आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन है तो उस पर फोकस करो और उसके बाद आप लोग सीधा अपने एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट चिल करने के थोड़े दिनों बाद, ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो अपनी आंसर की मिला सकते हैं बट अभी मत मिलाना, बाद में जाके मिलाना, ठीक है। फिर बाद में अगर आपको एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, वहाँ हम आपको हेल्प कर देंगे फॉर योर एसएसबी प्रिपरेशन जितना हमसे हो पाएगा, बाकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हेल्प करी जाएगी, जहाँ भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं जो भी वो आपकी हेल्प कर देंगे, आपको थोड़ा गाइड कर देंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक। सो यार सबसे बड़ी बात तो अब पेपर हो चुका है तो टेंशन आपके दिमाग से निकल चुकी है, अब थोड़ा आप चिल कर सकते हैं, तो अपने अपने स्कोर मेरे को आप टेलीग्राम में बता सकते हैं, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग योर कट ऑफ जो भी आ रहे हैं, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी आके आप पूछ सकते हैं पर्सनली मुझसे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए अब आपको, वो सब आप मुझसे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अब पेपर हो चुका है, कट ऑफ मैंने बता दिया आपको 350 अराउंड ही रहने वाली है, गैट का पेपर रिलेटिवली ईजियर था, मैथ्स का पेपर रिलेटिवली थोड़ा हार्डर साइड में था, गर्ल्स के लिए कट ऑफ चेंज भी हो सकती है और ऑन द अदर हैंड बॉयज़ के सेम मतलब बॉयज़ और गर्ल्स की सेम भी हो सकती है कट ऑफ, इट्स अ यूपीएससी डिसीजन, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, अभी चिल करो और ऐसा मत करना कि अभी से अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाओ, 10-15 दिन अपने आपको रेस्ट देना, वरना टेंशन में काफ़ी ज़्यादा जो इतने दिन है वो भी वेस्ट कर दोगे, ठीक है। सो मेरी यही एडवाइस होगी कि अभी थोड़ा चिल करो, अपने दिमाग को रेस्ट दो 10-15 दिन, फिर जाके अपने आंसर की भी चेक करना, अगर आपका रिटर्न क्लियर हो रहा है तो एसएसबी के लिए मैं और वीडियोस लाऊंगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा एसएसबी के बारे में, तो इस चैनल से जुड़े रहना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है चैनल, कीप सपोर्टिंग द चैनल, टिल देन जय हिंद।